दो खास मेहमान चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथोला जी जुड़ गए हैं और यूकेडी से शिव प्रसाद सेमवाल जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। विपिन जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जैसा कि अभी आपने सुना होगा, चाहे यूकेडी हो, कांग्रेस हो या वहां की आम जनता, उनका साफ तौर पर कहना है कि कमिश्नरी की जरूरत नहीं थी, पहले जिला घोषित करना चाहिए था। देखिए, उत्तराखंड जब गैर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात हुई थी, लोगों ने ऐसे ही कहा था कि क्यों ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी, क्यों ऐसा कर दिया। देखिए, आज राजनीतिक दल एक चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में इस प्रकार की जो आरोप है प्रत्यारोप क्यों लगाएंगे। मेरा ये मानना है उत्तराखंड की जो गैरसैंण राजधानी क्षेत्र घोषित है 100 किलोमीटर, उसी पर कमिश्नरी का भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। निश्चित रूप से देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं के दो जिले और गढ़वाल के दो जिले दोनों ही जो दूर सुदूरवर्ती जिले हैं, और दोनों में ही देखिए, चाहे गढ़वाल चमोली का डिस्ट्रिक्ट लीजिए या उधर का बागेश्वर का डिस्ट्रिक्ट लीजिए, तो दोनों ही जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जिले हैं, दोनों ही जिले से बहुत ही दूर है। तो इसलिए विकास जो है, जो जिस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं, कमिश्नरी के लिए वो लोग बहुत दूर जाते थे, पौड़ी कमिश्नरी थी तो पौड़ी आते थे चंबोली रुद्रप्रयाग के लोग, और वहां से जो अल्मोड़ा के लोग हैं उनको नैनीताल जाना होता था, बहुत बड़ा जिला है, और जो बागेश्वर के लोग थे उन्हें भी बहुत दूर जाना होता था। तो इन सब चीजों को भौगोलिक परिस्थितियों का संतुलन बनाते हुए सरकार ने जो है इस कमिश्नरी की घोषणा की है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने कहा था, हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम उत्तराखंड को उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में, हमारा जो मैनिफेस्टो में हमने बात की थी गैरसैंण को, कई बार लोग कहते हैं कि गैरसैंण क्यों, तो अब धीरे धीरे जिस प्रकार से सरकार उस ओर बढ़ रही है कि गैरसैंण का विकास किया जाए, 350 करोड़ रुपए की जो है बजट में प्रावधान किया गया है गैरसैंण के अंदर राजधानी में सचिवालय बनाने का, वहां पर आवास व्यवस्था करने का, वहां पर कमिश्नरी के लिए, वहां पर डीआईजी ऑफिस के लिए, वहां पर एसएसपी ऑफिस के लिए, वहां पर लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वहां पर कमिश्नरी होने से वहां पर विकास होगा, तो फिर सवाल ये उठने लगता है कि पौड़ी की स्थिति देख लीजिए, वहां पर जो कमिश्नरी है, लोगों का कहना है कि पहले वहां पर सुधार कर लीजिए, उसके बाद तीसरी कमिश्नरी की घोषणा करते। देखिए, लोग तो देखिए लोग हैं या विपक्षी दल के लोग नहीं, आप जिस जनता के लिए कर रहे हैं, जनता भी तो सवाल उठा रही है ना, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां। आइए, आने दीजिए जो भी लोग हैं, देखिए जो भी लोग हैं वो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। निश्चित रूप से देखिए, पौड़ी की अगर जो बात करें या अन्य कमिश्नरी, कुमाऊं कमिश्नरी की बात करें, तो मतलब कुमाऊं कमिश्नरी दो मंडल हैं, लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी और पौड़ी कमिश्नरी की बात करें तो बहुत बड़े बड़े जो है इसमें क्षेत्र हैं, पौड़ी की कमिश्नरी में भी और कुमाऊं की कमिश्नरी में। तो इसलिए तीसरे की आवश्यकता थी, तो सरकार ने आवश्यकता, जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको सरकार काम करती है। अब सड़क की जो आवश्यकता है तो सड़क बनाई जाती है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है तो हॉस्पिटल बनाया जाता है, तो जिस चीज की जिस समय पर आवश्यकता होगी उसको जरूर बनाया जाएगा, और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, वहां पर इंफ्रा खड़ा करने के लिए, वहां का विकास करने के लिए, वहां पर ऑफिस बनाने के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया। और निश्चित रूप से विकास पहाड़ में हो, पहाड़ की जो अवधारणा है, पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है, बोली भाषा है, सब चीजों के संरक्षण को करते हुए सरकार काम कर रही है। और सरकार जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 4 वर्षों में हमने 90% अपने घोषणा पत्र के काम पूरे किए हैं, उस पर धीरे धीरे सरकार फोकस्ड है। और गैरसैंण कमिश्नरी बहुत ही लाभप्रद होगी, वहाँ के कुमाऊं और गढ़वाल के परिक्षेत्र है, वहाँ का विकास होगा। शिव प्रसाद जी, कितना सहमत है आप विपिन जी की बात से? वो कह रहे हैं कि दोनों ही संस्कृतियों से वहां पर जो है विकास होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना कुछ और है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर संस्कृति का सवाल है तो संस्कृति को तो इन्होंने पहले से ही काट दिया घाल मेल करके जी। अल्मोड़ा में लोगों ने डीएम साहब का पुतला जलाया है खुशी में कि भैया आप अल्मोड़ा में हमारा नैनीताल जो है कमिश्नरी के नजदीक के आपने हमें जाके गैरसैंण पटक किया, नंबर एक बात संस्कृति का सवाल है। तो अब लेते हैं हम दूसरे सवाल पे। देखिए, तीन मंत्रिमंडल यानी एक चौथाई मंत्रिमंडल जो है खाली है। अगर विकास की बात करें, जब आपने 4 साल में एक चौथाई मंत्रिमंडल आपने खाली रखा हुआ है, इसका मतलब विकास की आपकी सोच है नहीं।
नहीं तो आप क्या ठीक मंत्री तो बना ही रहते कम से कम। तो जब मंत्रिमंडल आपका एक चौथाई खाली है तो एक और है डेवलपमेंट की, साहब वहां मंडल हो जाएगा तो वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा, वो बात सीएम साहब पहले खारिज कर चुके हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो कैंप कार्यालय है देहरादून में, यहाँ पर एक छापा मारा पता नहीं किस बिजनेस में, और उन्होंने वहाँ पे जितने अधिकारी थे उनको बहुत डांट लगाई कि भैया तुम ये गढ़वाल विकास मंडल नहीं भाई, या तो उन्होंने कहा कि जब पौड़ी क्योंकि हमारा गढ़वाल विकास मंडल निगम नहीं था, गढ़वाल मंडल। जब हमने उनसे पूछा, जब उन्होंने पूछा कि भाई आपने पौड़ी क्यों भेजते हो फाइलें, बोले जी वहाँ कमिश्नरी कार्यालय, बोले कोई जरूरत नहीं है वहाँ फाइल भेजने की। तो वाकई सीएम साहब की अगर सोच अगर ये होती कि सुदूर इलाकों का विकास होना चाहिए तो वो कैंप कार्यालय की प्रथा पहले आते ही खत्म करते। यहाँ वन निगम से लेकर के अल्मोड़ा का कोऑपरेटिव से लेकर के निबंधक कार्यालय से लेकर के कमिश्नर कार्यालय से लेकर सभी के तो कैंप कार्यालय देहरादून में चल रहे हैं, और न सिर्फ देहरादून में कैंप कार्यालय चल रहे हैं बल्कि सीएम साहब खुद ये बोलते हैं कि साहब वहाँ उधर फाइलें तक भेजने की जरूरत नहीं, अधिकारी तो रहे दूर की बात। तो जब सोच ये होगी, पहला आप जो है फाइलें वहाँ भिजवाओगे नहीं, ऑफिसरों को वहाँ भिजवाओगे नहीं, अगर कोई कमिश्नर आपने बना दिया गढ़वाल का या कुमाऊं का तो उसको शासन में आप इतने चार्ज दे दोगे कि वो वहाँ जा ही नहीं पाएगा, उसका रोज यहाँ ऑफिस देहरादून में काम रहेगा। तो कमिश्नरी की तो ये हालत है, यानी कि पौड़ी जैसी हालत हो जाएगी पौड़ी की जो हालत। अच्छा तीसरी एक बात और बताइए भैया, 60 साल के मिस्टर जो पत्रकार है, 60 वर्षीय पत्रकार है रमेश पांडे जी, उन्होंने भी ये बात कही, बागेश्वर के पत्रकार हैं, उनका कहना है कि मैं 60 वर्ष का हो गया हूँ, इतना वृद्ध हो गया हूँ, मेरा आज तक कमिश्नर कार्यालय में काम नहीं पड़ा। तो अगर आपको बनाने था तो यार तहसील बना देते, जिले बना देते, जहाँ रोज पब्लिक का रोज का काम होता है। आप एक डिप्टी कमिश्नर बिठा सकते थे, कमिश्नरी बनवा के केवल आप आई वास करना चाहते हो, पर्दा ढकना चाहते हो कि साहब हमने कमिश्नरी बना दी, फिर मीडिया मैनेजमेंट करके आप बोल दोगे कि साहब बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो गया है, मास्टर स्ट्रोक हो गया है। और खुद आपके जो लोग हैं बागेश्वर अल्मोड़ा के लोग हैं, वो खुद कहते हैं हम जिंदगी में कभी कमिश्नर कार्यालय नहीं गए, कमिश्नरी कार्यालय जाएगा कौन भाई, जिसका तहसील में काम नहीं होगा, जिसका ब्लॉक में काम नहीं हो पाएगा, जिसका जिले में काम रिजेक्ट हो जाएगा, तो साहब इसका मतलब क्या है, वो काम 3 तिक्रम वाला है। तो ये सब तिकड़मी लोगों के खेल है कमिश्नरी कार्यालय जाने का, आम आदमी का तो कमिश्नर कार्यालय से जिंदगी भर कोई पाला नहीं पड़ता। तो उसको ये कहना कि आपने जनता को बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ी रिलीफ दे दी, ये कहाँ की होशियारी है। मुझे तो लगता है ये सीएम साहब और इस सरकार जो है खुद अपनी हंसी उड़ाने पे आमादा है, और जनता को साफ पता है कि डेवलपमेंट इन्होंने करना नहीं है, इसलिए कभी कोर्ट द्वार का नाम बदल दो, कभी इन्होंने कभी वहाँ कमिश्नरी का मंडल बना दो। खुद पब्लिक ने ये गाना बनाया, एक गाने की नरेंद्र सिंह नेगी के गाने की पैरोडी है कि हमने मांगा गैरसैंण उन्होंने दिया, हमने मांगी राजधानी उन्होंने दिया मंडल, और हमने मांगा सड़क उन्होंने बना दिया बंडल, जो यहाँ लाठीचार्ज हुआ। तो इस तरीके के गाने खुद पब्लिक जो है गा करके इनकी हंसी उड़ा रही है पैरोडी के माध्यम से। तो इनको अभी भी समझ भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे ये मान रहे हैं कि वोट बैंक से इनको लाभ होगा, जबकि इनके पुतले जो है अल्मोड़ा में साफ फूके जा रहे हैं। इन्हीं के लोग जवाब दीजिएगा कि क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए, ठीक है, ठीक है शिल्पी साधी विपिन जी, क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए इसे राजधानी जो है इसे कमिश्नरी घोषित किया गया है, पहले जिला घोषित कर देते, वहाँ की जनता की मांग है, पहले जिला अधिकारी वहाँ पर, अगर इसे जिला घोषित किया जाता तो वहाँ पर जिला अधिकारी बैठते, जिला अधिकारी की निगरानी में सारी चीजें होती, विकास कार्य वहाँ पर जो होते, लेकिन पहले कमिश्नरी बनाया जाना, इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी निशाना साधा है। अब देखिए मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, चुनावी वर्ष है, मुद्दे बचे नहीं है विपक्ष के पास, तो कुछ ना कुछ बात करनी है। अभी विकास की बात करते सेमुआल जी, तो इनसे पूछिए कि आज जो सड़क है, जो सड़क जाती है बद्रीनाथ के, देखिए राजपथ में हम गए हैं, राजपथ की सड़कें देखेंगे, आज उतनी ही चौड़ी सड़क जो है बद्रीनाथ पथ की बन रही है। विकास इसे विकास बोलते हैं, विकास इसे बोलते हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी से हमने उत्तराखंड को जोड़ने की बात की है, आज कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन जो है वो रेल जो है गैरसैंण के छोर पर पहुंचाई जा रही है। किस विकास, अगर विकास की अगर जो बात है तो सड़कों की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, हमने प्रत्येक छोर पर काम करने की और विकास के काम करने का काम किया है। और सरकार जो है इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक माइलेज लेने की बात नहीं है। जिस प्रकार से जब लोग कह रहे थे ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है, आखिर क्यों राजधानी बनाई, किस लिए राजधानी बनाई, तो
कुछ ना कुछ सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन सरकार इन सवालों से डरने वाली नहीं है। सरकार जिस काम के लिए सरकार को चुना गया है, जिस काम के लिए हमको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, जिस काम को लिए हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। निश्चित रूप से पहाड़ के विकास के लिए जो हमारा सतत प्रयास है वो जारी रहे। पहाड़ के विकास के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? अब तीसरी कमिश्नरी भी घोषित कर दी गई है, वहाँ पर विकास के लिए किस तरीके से आयाम स्थापित करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना 350 करोड़ रुपए सरकार ने वहाँ पर घोषणा की है इस बजट में। वहाँ पे जितनी भी, पहले तो कहते थे कि राजधानी नहीं बनेगी, आज ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, सत्र प्रारंभ हुए हैं, बजट सत्र वहाँ पे हुआ है, आज मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ पर हैं, आज भी प्रवास रात्रि मुख्यमंत्री जी का वही है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से हमने जो काम जो दिया था, जो जिस प्रकार की घोषणा की थी उसके साथ ही धीरे धीरे हम सब लोग उस गैरसैंण के जो गैरसैंण राजधानी क्षेत्र है उसके विकास पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समय आने पर जिस दिन मित्रा खड़ा हो जाएगा, विकास जरूर, देखिए वहाँ के लोगों को ही फायदा होने वाला है, वहाँ के लोगों को ही फायदा होने वाला है, वहाँ के आसपास के इलाकों को फायदा होने वाला है, वहाँ के आसपास में जहाँ जहाँ कॉलोनिया बनेगी, जहाँ जहाँ सचिवालय बनेगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर विकास की तो अपने आप जो है काम स्थापित होंगे, नए आयाम स्थापित। शिव प्रसाद जी, कहा जा रहा है कि धीरे धीरे विकास होगा, महज एक साल का समय है, आपको लग रहा है जो चार साल में नहीं हो पाया वो एक साल में हो जाएगा आने वाले एक साल में? अब चार साल में जो नहीं हो पाया, जैसे कोटद्वार का विकास नहीं हुआ तो इन्होंने उसका कोटद्वार का नाम बदल के कर्ण नगरी रख दिया, जबकि सीएम साहब ने जो सबसे पहले मीटिंग ली थी उसमें बोला था कि कंडी रोड बनाना मेरी प्रेस प्राथमिकता होगी। सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली लाइन थी कि कंडी रोड बनाना प्राथमिकता होगी। अब चार साल बाद उन्होंने कंडी रोड तो जब बनी नहीं तो उन्होंने कह दिया अब इसका नाम कोटद्वार से कर्ण नगरी होगा। तो ये इनकी सोच है। जब इन्होंने कहा था कि इन्होंने घोषणा पत्र में भी ये बात का जिक्र किया था, प्लस इन जो अजय भट्ट थे उन्होंने गैरसैंण में कर्णप्रयाग में सभा की थी और उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण अस्थायी राजधानी होगी। ये सारे अखबारों में छपा, जनता ने विश्वास किया, इनको प्रचंड बहुमत दिया। उसके बाद इन्होंने कह दिया, वो जो जुमला है, जब चार साल बाद इन्होंने लगा कि यार अब तो हम हार जाएंगे इस सवाल से क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया। आप लोग को भी उम्मीद थी कि जब मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, जब बजट पास करेंगे, इस दौरान गैरसैंण को लेकर एक बड़ा बयान दे सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या उन उम्मीदों पर पानी फिर गया? बिल्कुल पानी फिर गया। पहले इन्होंने कहा कि ये समर कैपिटल है, अब समर कैपिटल ये एकमात्र उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य है कि जहाँ की सब कैपिटल समर कैपिटल तो डिसाइड हो गई, लेकिन कैपिटल कौन सी है यह आज तक डिसाइड नहीं हुआ। एक प्रचंड बहुमत की सरकार से इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये निर्णय, ये इच्छा शक्ति और निर्णायक शक्ति के नाम पर जो है इतनी लुंज पुंज और इतनी भीली डाली सरकार ने, क्योंकि वो समर कैपिटल तो घोषित कर सकती है लेकिन कैपिटल कौन सी है आज तक घोषित नहीं कर सकती। विपिन जी, तो फिर प्रचंड बहुमत का फायदा क्या है? सरकार किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल लगा हुआ, सालों से इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर भी स्थायी क्यों राजधानी नहीं मिल पाई? देखिए, शिव प्रसाद सेमवाल जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी हमारे साथ भी, देखिए उनके दो विधायक रहे, मंत्री रहे, हमारे साथ भी उन्होंने शेयरिंग की सत्ता और कांग्रेस के साथ भी शेयरिंग की सत्ता, लेकिन हमारी जब सरकार आई, हमारे मैनिफेस्टो में था तो हमने गैरसैंण को राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। और आज आप आज कहो कि पेड़ लगा देते हैं और एक साल में पेड़ अगर जो फल दे देगा तो ये हमने भी नहीं देखा और इन्होंने भी नहीं देखा होगा। देखिए, समय लगता है, एक साल के अंदर वहाँ पर एक साल के अंदर जिस प्रकार से काम तेजी से चल रहे हैं, ब्रिज का निर्माण की बात हो, वहाँ पर पेयजल पानी लाने की बात हो, सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है, उसके लिए वहाँ पर झील बनाकर पानी लाने की बात है, उस पर काम चल रहा है। जब तक इंफ्रा नहीं होगा, जब तक वहाँ पर बैठने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, अधिकारियों के रहने के लिए कितना बड़ा तामझाम जो है राजधानी का वहाँ किया जाएगा, इतना पहले तो साहसिक कदम भाई को स्वागत करना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, जो जो उत्तराखंड के हमारे शहीद जो शहीद हो गए, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी है उनके सपनों की राजधानी हम बना रहे हैं, तो ये प्रशंसन कर रहे हैं। केवल सत्ता में इस बार नहीं है, बेचारे आ नहीं सके तो बेचारे फिर से सत्ता में आए, इसके लिए परेशान है। उत्तराखंड में ये भी बहुत बड़ी समस्या बनी है, आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर विकास होता चार सालों में तो फिर पलायन क्यों होता? पानी के लिए भी पलायन होता है, वहाँ पर पानी की कमी की वजह से भी। देखिए, मैंने कहा ना, देखो जब तक
वहाँ पे इंफ्रा नहीं खड़ा होगा जब तक वहाँ पे रहने के लिए अधिकारियों के रहने के लिए वहाँ पे लोग जाएंगे, राजधानी होगी, कितना मूवमेंट राजधानी में होता है, कितने लोग राजधानी में अपने काम कराने जाते हैं, कितने लोग अपने कामों में सरकारी दफ्तरों में सचिवालयों में जाते हैं, तो उनके रहने के लिए भी वहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो सारी व्यवस्थाएं जब चाक चौबंद होगी, सारी चीजें वहाँ पर खड़ी हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से आज ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। इस दिन जरूर हम जिस ओर बढ़ रहे हैं तो इस दिन गैरसैंण में हम कह सकते हैं कि आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। आने वाले समय में जो है गैरसैंण अपने मुकाम में है। आप ही जवाब दे दीजिए कि आखिर जो पलायन की समस्या है वहां पर उसे कैसे रोका जाए। शिव प्रसाद जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, लगातार समस्या यहाँ पर पलायन की भी बनी हुई है। जैसा कि विपिन जी बार बार विकास की बात कर रहे हैं, वाकई में अगर धरातल पर विकास होता तो क्या पलायन रुक नहीं गया होता? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये दिल्ली वाले दलों के बस की बात नहीं है इस राज्य की पीड़ा को समझना, नहीं तो अगर समझते दो बार पांच साल और इनका काम न सिर्फ जनता को छलना है बल्कि क्षेत्रीय दलों को भी तोड़ना और छलना और उनकी मतलब आकांक्षाओं पे खड़े न उतरना इनका काम है। इनके बस का नहीं है, इनकी निष्ठाएं दिल्ली के प्रति हैं, इनकी निष्ठाएं सेंटर के प्रति, अपने आकाओं के प्रति है, इनकी निष्ठाएं। अरे भैया हमारे साथ रहे ना सरकार में। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।